दोस्तों देखो बॉक्स खोलते 7 चेयर बाहर आ गया है। नमस्ते दोस्तों, केयर फॉर पेट्स पर आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज का भी वीडियो मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम हमारे इगुआना के लिए एक छोटा भाई ले गए हैं। सेम कैटेगरी बट छोटे साइज में इगुआना है, सो उसको भी हम खोलने वाले हैं अभी। बट उससे पहले हम आपको अपडेट दे देते हैं, हमारा जो हमने स्पाइडर अनबॉक्स किया था तो वो अभी पूरा ऑलमोस्ट सेट हो गया है, तो उसको दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसे कैसे एकदम बराबर से बैठा है। तो ये तो बराबर सेट हो गया, बट इसको फीडिंग नहीं दिया अभी तक, क्योंकि इनको नए घर में डालने के बाद ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद फीड करते हैं। सो ये याद रखिएगा हमेशा। सो दोस्तों अगर आपको भी एक स्पाइडर रखना है तो आप टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इसका जो सेटअप है वो बहुत बजट फ्रेंडली है और इसको ज़्यादा जगह भी नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप कोई फिश रख रहे हो या फिर इगुआना या कुछ टेम कर रहे हो तो वो साइज में बहुत बड़ा होता है। बट स्पाइडर भी बड़े होते हैं, बट वो इतने बड़े नहीं होते कि आपको उनको बहुत बड़ी जगह देनी पड़ती है, आप उनको एक छोटी जगह में भी रख सकते हो। तो ये इनका बेनिफिट है। और दोस्तों चैनल पे बने रहे, क्योंकि मैं स्पाइडर्स के केयर के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा और उनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों सबसे मेन पार्ट इस टॉपिक का ये था कि अगर आपको ऐसे स्पाइडर्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगे हमारे पास से, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको स्पाइडर का नाम नहीं बताया। तो दोस्तों ये स्पाइडर जो मेरे पास है, ये एक पिंक सैल्मन बर्ड ईटर है, मतलब ब्राज़ीलियन पिंक सैल्मन बर्ड ईटर इसे कहते हैं, और ये वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट टेरेंटुला में से जाना जाता है। तो मतलब अगर ये फुल साइज हो जाए ना दोस्तों, ये एक पंछी को आराम से खा सकता है। मतलब अगर आपके लव बर्ड्स, फिंचेस, छोटे बर्ड्स, तो ये आराम से खा सकता है। सो दोस्तों इसके बारे में तो हमने जान लिया, बट अगर आपको इसकी प्राइस जाननी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है नीचे। तो अब हम इसे खोल देते हैं और देखते हैं। मैं तो फिल्टर बॉक्स है, बट चाकू आपको अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, क्योंकि इगुआना पे पैसे खर्च हो गए हैं कुछ भी पेन से ही। सरप्राइज मदरफकर। दोस्तों देखो बॉक्स खोलते 7 चेयर बाहर आ गया है। तो दोस्तों ये हमारा रेड इगुआना है, आप इसे देख सकते हो। तो ये एक 14 इंच रेड इगुआना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखा उसने कैसे जंप मारा। सो हमेशा ध्यान रखिए इन चीजों के बारे में, और वो भाग गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सो दोस्तों ये इगुआना भी सेल के लिए है, बट जब तक ये सेल नहीं होते तब तक इसका केयर तो हमें ही करना है, और हम करेंगे। तो देखो फिर जंप मारने की लिए देख रहे हैं। सो इसकी जगह यही पर है, देखो भाग रहा है वो। तो इसे ऐसे बिठाना है, फिर देखो उसको जंप मारना है, वो देख रहा है जंप मारने के लिए। तो चलो इसे हम केज में डाल देते हैं। तो दोस्तों आज हम कुछ नया देखेंगे, हम इगुआना का रिएक्शन देखेंगे जब वो अपने ही एक इगुआना को देखता है। सो चलो और देखते हैं, उसका कुछ रिएक्शन है ही नहीं। ओह नो, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट आर यू डूइंग। बोल रहे ये क्या हो गया, मैं जंगल में तो नहीं आ गया, मैं सपना तो नहीं देख रहा। देखो तो उसको देखो, वो ऊपर चढ़ रहा है, अब जंप मारने वाला है वो। नहीं तो चलो अब इसे छोड़ देते इसके नए घर में। गया। देखो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए क्यों पसंद नहीं आया। मिलते हैं आपको ऐसे ही वीडियो में फिर से। नमस्ते।